हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम गुप्ता और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए काइगर RXZ फेस्टिव एडिशन। तो भाई ये बिल्कुल सबसे अलग हो जाएगी बात, क्योंकि अब ना काइगर में यानी कि रिनोल्ट में हर कार के साथ इन्होंने फेस्टिव एडिशन लॉन्च किया है, चाहे वो ट्राइबर हो, क्विड हो और काइगर हो। तीन कारें आती हैं वैसे तो आपको पता ही है रिनोल्ट में, लेकिन ये जो फेस्टिव एडिशन है इसमें भी क्या क्या फीचर मिलते हैं, आपको किस तरह की आपको टोन दी गई है पूरी कार में, वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो वो लगभग 840,000 रुपये एक्सोरूम प्राइस है। ऑन रोड आपको पता ही है वो ये 1,00,000 रुपये ऊपर पड़ जाता है अपने स्टेट के हिसाब से, जो आपके टैक्सेस लगे हैं। अगर इसकी वेरियंट्स की बात करी जाए, सिनेरियो समझाऊं मैं आपको, तो इसमें आपको RXE, RXL, RXT, RXZ और RXL, RXT ऑप्शनल भी आता है, यानी कि चार वेरियंट तो नॉर्मल आते ही हैं, फिर ऑप्शनल वगैरह भी आ जाते हैं और ऑटोमेटिक और टर्बो का भी ऑप्शन अलग आता है, यानी कि फीचर्स और यानी कि सब कुछ वेरियंट्स भर भर के दिए गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कार में। तो आप जो देख रहे हो ये है फेस्टिव एडिशन। तो फेस्टिव एडिशन की अगर बात की जाए फ्रंट से, तो भाई फ्रंट से कुछ इस तरह का पूरा लुक देखने मिलता है, काफ़ी अच्छा और मस्कुलर लुक लगता है भाई। काफ़ी हैवी कार है क्योंकि ग्लोबल एन के 4-स्टार रेटेड ये कार है, ये हल्के में मत लेना, ग्लोबल एन के 4-स्टार रेटेड। अगर इसके कॉम्पिटिटर की बात करी जाए ना, तो भाई इस प्राइस में अगर आप कॉम्पिटिशन में लेना चाहोगे तो बलेनो है और भी कार है, तो भाई वो एक हैचबैक है और ये एक SUV टाइप कार है, तो आप इसमें बहुत कंपेयर है भाई। तो इसमें अगर सम फ्रेंड से अगर बात करी जाए तो कुछ इस तरह की आपको DRS देखने मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है भाई ये। और यहाँ पे आपको दे दी गई है इसमें इंडिकेटर लैंप्स, नीचे आपको 3 प्योर विजन का LED सेटअप मिलता है, लो बीम हाई बीम सभी से मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी लाइट है और रेड की इस पे ना वो मिल जाती है फिनिशिंग, क्योंकि भाई ये फेस्टिव एडिशन है, इस तरीके से आपको दिया गया प्योर विजन की बैजिंग और पूरी लाइट पे इस तरह का पूरा डिज़ाइन। फोक लैंप नहीं लगते हैं इस कार में, क्योंकि यही बहुत अच्छा काम कर जाती है। यहाँ से अगर बात करिए तो क्रोम में पूरी ग्रिल आती है इसकी देखने में, इसका रिनोल्ट का लोगो, और फेस्टिव एडिशन में यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट रेड कलर में दिया गया है शाइनिंग में, बहुत अच्छा लगता है। नीचे पूरी इस तरह की ग्रिल देखने मिलती है, काफ़ी अच्छी लगेगी, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लगेगी और पूरा लुक इस तरीके का, तो काफ़ी सही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बात करिए इसकी साइड प्रोफाइल की, तो साइड की प्रोफाइल कुछ इस तरह की देखने मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है साइड की प्रोफाइल। टॉप मॉडल है भाई ये फेस्टिव एडिशन, जो आपको मैं बताऊँ RXZ जो मॉडल आता है वही RXZ की, आप यहाँ बैजिंग भी देख लो, RXZ की बैजिंग भी है ये। नीचे अगर टायर साइज की बात करिए तो इसमें आपको टायर साइज देखने में मिलता है, मैं दिखा देता हूँ आपको बहुत अच्छे से, इसमें मिलता है आपको R16 इंच का वो टायर साइज मिलता है, डायमंड कट में इसमें आके पूरे अलॉय व्हील आते हैं और रिनोल्ट के लोगों के साथ आपको रेड कलर में यहाँ मिलती है और अंदर ये भी रेड कलर में मिलता है, आगे डिस्क आते हैं आपके इसमें और ये रेड कलर मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये, मुझे बहुत पसंद आया ये। MRF के टायर मिल जाते हैं आपके इसमें और पूरी यहाँ बड़ी बड़ी क्लाइडिंग इसमें यहाँ पर दी गई है, तो ये भी बहुत सही है, पीछे तक जाती है आपकी ये यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर ना स्टिकर दिया गया है पूरा इस जगह पर, तो ये स्टिकर है पूरा, तो सही लगता है ये। और यहाँ पे थोड़ा रेड का भी डिज़ाइन मुझे बहुत सही लगा, पीछे भी पूरी क्लाइडिंग। ORM की बात करी जाए तो इस पर ही आपको इंडिकेटर लैंप देखने मिल जाते हैं, ऑटो फोल्डेड ऑटो एडजस्टेबल दोनों हैं, अभी आपको करके दिखा दूंगा मैं आपको। ब्लैक कलर में इसके डोर हैंडल्स पियानो ब्लैक फिनिश में आते हैं, ये थीम वर्क है कार में, क्योंकि ये डुअल टोन वाली कार है, ऊपर से रूफ भी आपको ब्लैक देखने मिलती है और ऊपर आपको रूफ रेल्स भी मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको 7 टाइप एंटीना भी मिल जाएगा, तो काफ़ी सही है ये पूरा इस तरीके का लुक। अब आ जाती है बारी पीछे से कि भाई पीछे से आपको किस तरह का लुक देखने मिलता है, तो पीछे से अगर बात की जाए तो पूरा लुक इस तरह का देखने मिलता है, काफ़ी बढ़िया लुक दिया गया है इसका, ये काफ़ी मस्कुलर कार फील होती है जैसे मैंने आपको बताया। वाइपर, डिफोगर, वॉशर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्पॉयलर सब मिलता है, फुल पैकेज है भाई ये कार ये, और ये तो आपको ये सब में मिल जाएगा, ये चीज़ तो नॉर्मल है, बहुत अच्छा है, इसमें हर वेरियंट मिल जाएगा। LED में लाइट आती है इसकी पूरी, ये इस तरह का पूरा डिज़ाइन काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगता है देखने में ये। यहाँ पे कुछ आपकी इंडिकेटर लैंप्स और ये वाइट लाइट रिवर्स लाइट जो कहते हैं आप, नीचे आपको 3 पॉइंट मिलता है, 1, 2, 3 पॉइंट मिल जाते हैं आपको रिवर्स बैक सेंसर के, और यहाँ पे रिनोल्ट का लोगो, काइगर की बैजिंग, रिनोल्ट के लोगो के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका रिवर्स बैक कैमरा, बहुत सही है रिनोल्ट का लोगो तो वहाँ है, यहाँ पे आपको रिनोल्ट की बैजिंग, पूरा लुक इस तरीके का आपको पीछे से, तो काफ़ी सही है। यहाँ पे नंबर प्लेट लगेगी और सिल्वर में पूरा ये डिज़ाइन मिलता है बम्पर पे, तो काफ़ी सही है ये जो मैं बताऊँ इस तरीके से आप यहाँ से साइड से प्रोफाइल। अब बारी आ जाती है भाई इसमें बैठकर देखने की कि भाई इंटीरियर में क्या क्या दिया है आपको, कि इंटीरियर में क्या फ़ीचर्स हैं, क्या ऑफ़र करेगी। तो भाई वैसे तो मैं आपको बता दूँ भाई सारे फ़ीचर हैं इसमें, ऐसा कोई फ़ीचर नहीं है कि जो इसमें ना हो। सबसे पहले अगर बात करी जाए, इसको लाइट वगैरह करते हैं बंद, पूरा डोर आपको ब्लैक में देखने मिलता है, लेकिन ये ना ब्लैक मुझे ना डुअल टोन ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये ब्लैक में भी बुरा नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ थोड़ा आपको लेदर का वर्क मिल जाता है इस जगह पे, सॉफ्ट टच है काफ़ी अच्छा। चारों पावर विंडो मिल जाती है, चाइल्ड लॉक मिल जाता है, ऑटो फोल्डेड ऑटो एडजस्टेबल ओवरव्यू, और यहाँ पे ओरियंग कंट्रोल, पियानो ब्लैक फिनिश में सारी पूरी आती है फिनिशिंग इसकी। डोर हैंडल आपको ब्लैक देखने मिलते हैं, काफ़ी सही है, बढ़िया लगता है ये। स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है आपको, यहाँ दो बोतल होल्डर मिल जाते हैं, तो सही है
यानी कि जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब है। हाई एडजस्टेबल सीट आती है, फैब्रिक में सीट आती है, काफ़ी सॉफ्ट सीट है भाई। एक बार आप कंपनी में यानी डीलरशिप में जाकर विजिट जरूर करना। तो सिंपल मैनुअल वाली कार है तो भाई तीनों पैडल देखने मिलते हैं आपको यहाँ पर, तो सही है। अब बारी आती है बैठ कर देखने की कि भाई बैठ के आपको क्या क्या देखने मिलता है। तो सबसे पहले मैं सीट को कर लूँगा पीछे बिल्कुल, तो आगे सर रोशनी आ रही है तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब। चलो लेकिन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पूरा स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको, लेदर टाइप स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी दिया गया है इस पर। यहाँ पे आपको इसमें सारे कंट्रोल देखने मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको पूरे कंट्रोल बहुत सही लगता है। ऑटो क्लाइमेटिक एसी आती है। एक बार ना मैं आपको यहाँ से बटन से दिखा देता हूँ, इस तरह का पूरा आपको क्लस्टर देखने मिलेगा इसमें, आपको बीच में स्पीड शो करेगा। और भाई इसमें मोड्स भी आते हैं, यहाँ पे मोड्स दिए गए हैं, बहुत सही है यार। देखो मैं चेंज करूँगा, इसके साथ चेंज होंगे। ये आ गया आपका ईगो मोड, ये स्पोर्ट्स मोड, और अगर आप इसको करोगे नॉर्मल मोड, तो यानी कि सारे मोड्स आ जाते हैं। भगाने में मज़ा आएगा, पूरा कार में सारा कुछ शो करेगा। ये 220 तक की बैजिंग है इसमें, और आर पे मीटर सेल्सियस मीटर पेट्रोल वगैरह सब कुछ इसमें शो करेगा। अब आते हैं रिनोल्ट का लोगो, यहाँ पे क्रोम में अच्छा लगता है काफ़ी। ये पियानो ब्लैक की फिनिशिंग, सारे मोड्स, ऑटो क्लाइमेटिक एसी, ये कुछ आपको इसमें डिस्प्ले देखने मिलती है जो इसकी काफ़ी सही है डिस्प्ले। इसमें आपको रिवर्स बैक कैमरा मिल जाता है, नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पे एक बटन दी गई है, इसे ना आप यहाँ पे दबाओगे तो वहाँ लाइट्स चल जाती हैं, तो काफ़ी सही लगता है देखो आप, तो बहुत सही है ये। यहाँ पे कुछ इस तरह के एसी वेंट्स, ये कुछ आपको रेड में पूरी यहाँ डिज़ाइन दी गई है, काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारे के एसी वेंट्स यहाँ भी पियानो ब्लैक की फिनिश की, तो काफ़ी सही है। यानी कि मैं एक्सप्लेन क्या करूँ, यानी कि काफ़ी सही मुझे बहुत सही लगती हैं इसके। तो ये इस तरह का पूरा गियर नॉब मिलता है, यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट मिल जाता है, लेदर में ही मिलेगी इसकी आपको फिनिशिंग। इसको आप यहाँ पे स्पेस मिलता है, और ये भी आपको स्लाइडिंग वाला देखने मिलता है। बहुत सही है, मुझे काफ़ी पसंद आया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अब इसकी ग्लव बॉक्स की बारी, तो अगर ग्लव बॉक्स की बात करी जाए तो ये काफ़ी डीप वाली ग्लव बॉक्स है, आप इसमें आराम से अपना सामान जरूरी रख सकते हो। ये तो होगा इंटीरियर की बात, एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इसका मिल जाता है, यह आपको माइक मिल जाता है जब आप फ़ोन बात बात करोगे, सनवाइज़र यहाँ पर, यहाँ पे सनवाइज़र मिल जाता है। इसमें आपको मिरर भी मिलेगा, ये कुछ इसमें लाइट मिलती है तो ठीक है। यहाँ पे एक बीच में लाइट दी गई है, हाइलोजन वाली लाइट है ना, येलो लाइट, पूरा इंटरेस्ट रहेगा। और ये ना काफ़ी अच्छा लगता है भाई, यहाँ ये सब चीज़ बढ़िया दी गई है एक तरीके से, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। पूरा क्लस्टर ये हो गया इसका इस तरीके का, तो काफ़ी सही है, मुझे बहुत पसंद आई है। अब बारी आती है भाई, इसमें सारी फीचर आते हैं नहीं जो मैं ज़्यादा, इसमें एक चीज़ हो रहा है भाई, इसकी कीलेस एंट्री तो नहीं है, लेकिन आप उस की को दूर ले जाओगे ना तो ऑटोमेटिक गाड़ी जो है इसकी लॉक हो जाएगी, और अगर पास लाओगे तो ऑटोमेटिक खुल जाएगी। इसके इंजन से बटन को हम करते हैं यहाँ से बंद। अब बारी आई थी पीछे जाके देखने में, पीछे आपको क्या क्या फीचर ऑफर करती है कार ये। तो अगर पीछे की बात करिए तो वही आपको डोर पूरा इसमें ब्लैक देखने मिलता है, यहाँ पे पियानो ब्लैक की फिनिशिंग देखने मिलती है, यहाँ पे लेदर में सॉफ्ट टच, पावर विंडो, स्पीकर प्लेसमेंट, ट्विटर की प्लेसमेंट, इसमें आपको इसमें मिल जाता है इसमें पियानो ब्लैक फिनिशिंग इसका हैंडल। अब बारी आती है बैठ के देखने की, तो भाई आगे वाली सीट जो है ना वो मेरे हिसाब से कम एडजस्ट है, यानी कि मैंने थोड़ा पीछे कर लिया था तब भी स्पेस लेग रूम अच्छा खासा बच रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एसी वेंट्स, यहाँ पे मिल जाता है इसका पावर सॉकेट आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं इसमें, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, तीन लोग बड़े आराम से बैठ जाएंगे, तो काफ़ी सही है ये भी, मुझे बहुत सही लगा। ऊपर भी हेडरूम पे भी काफ़ी अच्छा है, पीछे पार्सल ट्रे भी दी गई है। अब आ जाती है बारी बूट की, बूट दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा मिलता है। तो अगर बूट की बात करी जाए तो भाई यहाँ पे एक बटन दी गई है, आप इसको दबाएंगे तो काफ़ी बड़ा बूट इसके देने मिलता है, स्क्रीन पे मेंशन हो रहा होगा कितना मिलता है आपको, तो काफ़ी सही है। पार्सल ट्रे भी मिल जाएगी, और यहाँ पे जुगाड़ सेंसर भी दिया गया है बूट के लिए। अब बारी आ जाती है भाई इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, भाई इंजन आपको कितने लीटर का देखने मिलता है उस। तो अगर इंजन की बात करी जाए तो इसमें आपको 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन देखने मिलता है, 71 बीएचपी की पावर प्रोड्यूस करता है, 19 पॉइंट कुछ का इसमें माइलेज क्लेम करती है कंपनी, जो कि बड़े आराम से दे देती है भाई, ये 17-18 तो बड़े आराम से दे देती है, बाकी तो भाई यही बात है। और बाकी आपको लगभग इसमें 400 लीटर के करीब का इसमें बूट स्पेस देने मिलता है, जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है कितना मिलता है। तो मेरा पूरा ओपिनियन इस कार के साथ ये था, आपको कैसा लगा मुझे बताना भाई, फेस्टिव एडिशन है तो कुछ अच्छा ही है, तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भाई, अपना टारगेट है चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो भाई सर जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।